मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खेती के काम समय पर और आसानी से हों, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मौसम की मार कभी भी हमारी मेहनत के आड़े आ सकती है। किसानों के लिए कृषि में यंत्रों का उपयोग आवश्यकता बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसी दिशा में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में युवाओं द्वारा ट्रैक्टर्स और अन्य शक्तिचालित यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 286 कस्टम हायरिंग केंद्र खोले गए हैं। इस वर्ष 450 नए केंद्र खोले जा रहे हैं। यंत्रदूत ग्राम योजना के अंतर्गत 200 से अधिक गांवों में यांत्रिक तकनीकी से खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिज फरो और श्री पद्धति में उपयोगी यंत्रों पर 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। गहरी जुताई के लिए हलधर योजना का लाभ हजारों किसानों को मिल रहा है। इस प्रकार बैलगाड़ी से लेकर ट्रैक्टर तक प्रदेश के किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश में विगत 2 वर्षों में ट्रैक्टर की बिक्री की दर 32% है, जो देश में सर्वाधिक है। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य कृषि अभियांत्रिकी को बढ़ावा देकर प्रदेश की कृषि को आधुनिक एवं लाभ का धंधा बनाना है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सबके मेहनत और परिश्रम से आज मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश का सरताज है। हमारी कृषि विकास दर 25% के आसपास है, लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अभी हमें और आगे बढ़ना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का आयोजन कर रही है। कृषि महोत्सव में आइए, नई तकनीकी अपनाइए, खेती को लाभ का धंधा बनाइए। मध्य प्रदेश बना।